जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल की तरफ से आने वाले एक बहुत ही पॉपुलर गेमिंग लैपटॉप के बारे में, जो कि है डेल G15 और ये 2021 का वेरिएंट है। तो आपको इस लैपटॉप में काफी कमाल का स्पेक्स देखने को मिलता है, वो भी एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे। तो ये सब तो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करें इस लैपटॉप के सीपीयू एंड जीपीयू से। तो हमें इसमें राइजन 5 का 5600 सीपीयू देखने को मिलता है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। और इसका बेस क्लॉक स्पीड 3.3 GHz है, वही बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.2 GHz है। और इसी के साथ कंबाइन किया गया इनवीडिया का RTX 3050 GPU, जो कि 4 GB VRAM के साथ आता है। और अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसमें 15.6 इंच का FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस और 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो चलिए अब हम इसके रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो हमें इसमें ऑनबोर्ड 8 GB का रैम देखने को मिलता है, जो कि 16 GB तक अपग्रेडेबल है। इसी के साथ हमें इसमें स्टोरेज के लिए ऑनबोर्ड 512 GB का NVMe SSD देखने को मिलता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा M.2 SSD स्लॉट भी अवेलेबल है। और कनेक्टिविटी के लिए हमें इस लैपटॉप में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है। अब हम इसके कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड की बात करें तो हमें इसमें ऑरेंज कलर का बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि फुल साइज का कीबोर्ड है। इसी के साथ हमें इसमें ट्रैकपैड भी फुल साइज का देखने को मिलता है। और अब इसके बैटरी की बात करें तो हमें इसमें 56 वाट का 3 सेल बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 240 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपको ये लैपटॉप अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगा और इसका प्राइस है 74,000। तो अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन भी बता देता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो लैपटॉप काफी अच्छा है, आपको इसमें ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस एक चीज है जो कि आप नोटिस कर सकते हैं, आपको इसमें ऑलमोस्ट सारा टाइप ए पोर्ट 2.0 जेन वाला देखने को मिलता है। बस एक टाइप ए पोर्ट है जो कि आपको 3.2 जेन वाला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा चीज है जो कि इस लैपटॉप का थोड़ा सा टेस्ट खराब कर दे रहा है, पर ओवरऑल ये लैपटॉप अभी भी अच्छा है। और इस लैपटॉप के टेम्परेचर में भी आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ना कि लास्ट ईयर की तरह जिसमें कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जा रहा था, पर इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ। राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।